वहीं हाई कोर्ट ने एक और अहम फैसला सुनाते हुए जयपुर के अमरूदों के बाग और आसपास के जो इलाके हैं उसमें अब सरकारी जो कार्यक्रम होने थे वो अब बंद कर दिए हैं। हाई कोर्ट का ये आदेश आया है और मैदान में कार्यालय समय में किसी भी प्रकार के आयोजन करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जस्टिस मनीष भंडारी की कोर्ट ने हाई कोर्ट बार प्रेसिडेंट अनिल उपमन की मौखिक तौर पर की गई शिकायत पर संज्ञान लेकर ये आदेश सुनाया है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने हाई कोर्ट के बार वकीलों से बात की है, आइए आपको सुनवाते हैं वकीलों ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। स्व प्रेरणा से एक आदेश पारित किया है, अभी हमारे साथ अनिल उपम जी हैं, खास बातचीत करते हैं। अनिल जी, क्या पूरा है मामला? मामला आपके देखने में आ रहा है कि अमरूदों का बाग बड़ी सेंट्रल लोकेटेड एरिया है और इसमें सरकार की तरफ से ज्यादा प्रोग्राम किए जाते रहते हैं, और चूंकि इस इलाके में सरकार के सभी बड़े ऑफिस हैं, हॉस्पिटल्स हैं और खुद हाईकोर्ट की बिल्डिंग इस इलाके में है, तो वर्किंग आवर्स में जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और ट्रैफिक की जैसी स्थिति है, ना तो कोई व्यवस्था होती है, ना जनता को कोई सूचना दी जाती है, और उससे घोर अव्यवस्था जो उत्पन्न होती है, जिससे हम लोग आज सुबह समय से अदालत नहीं पहुंच पाए, अपने इम्पोर्टेंट मुकदमों को अटेंड नहीं कर पाए, और इवन देन न्यायाधिपति खुद भी जजेज टाइम से कोर्ट में नहीं पहुँच पाए, तो मामले को हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया गया, खंडपीठ द्वारा मामले को देखा गया और 2 बजे एक आदेश पारित किया कि वर्किंग आवर्स में जो भी हैं कार्य घंटे हैं उनमें कोई भी कार्यक्रम इस प्रकार का यहाँ आयोजित नहीं किया जाएगा, अमरूदों का बाग और उससे जुड़े हुए मैदानों में। और राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि पूर्व में भी आदेश पारित हो चुका है, उसकी पालना क्यों नहीं हो रही है। मामले को हाईकोर्ट द्वारा बड़ी गंभीरता से लिया गया है और अब जवाब मांगा गया है, 2 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी, फिर आगे कार्रवाई होगी। सर, आज क्या कार्यक्रम का थोड़ा बताइए? आज जैसा कि आप सबको मालूम है शिक्षक दिवस है, आप सबको शिक्षक दिवस की बधाइयाँ, शुभकामनाएं, बहुत बहुत शिक्षक दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी हमारे शिक्षकों के द्वारा हमें ये सिखाया गया कि रोडों को जाम कर दिया जाए, ना हमारे शायद जो ट्रैफिक पुलिस वाले उनको भी ऐसा नहीं सिखाया गया, और मेरे ख्याल से हमारी राज्य सरकार भी शायद उसको भी उनके मंत्रियों को और हमारे मुख्यमंत्री साहब को भी नहीं बताया गया कि रोड जाम करके शिक्षक दिवस मनाया जाए। तो ये सारी बातें न्यायालय को बताई गई और न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आज आदेश पारित किया और रोक लगा दी। न्यायालय ने साफ तौर पे अब अमरूदों बाग में जो भी कार्यक्रम हो उस पर रोक लगा दी है, जब तक सरकारी अधिकारियों को भी नोटिस दिए गए। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि वर्किंग आवर्स में अब जब तक ये आदेश रहता है, जब तक कोई भी सरकारी आयोजन नहीं, किसी भी तरह का कोई आयोजन नहीं होगा। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ जितेश जेठानी, इंडिया न्यूज जयपुर।